तुम दिनों की है अपन 8th में, अपन है प्योर बैकबेंचर। प्योर बैकबेंचर मतलब अपना काम क्लास के अंदर में पंखे टेढ़े करना, ज्योमेट्री बॉक्स लेना, पेन लेना, तत 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 क्लास की सबसे पढ़ाकू लड़की को चिढ़ाना, बहन जी बिल्कुल उसका तार जोड़ना किसी के भी साथ। अपना काम होता था पीटी टीचर का इंग्लिश टीचर से जोड़ना, साइंस टीचर का इंग्लिश टीचर से जोड़ना, सॉरी पीटी टीचर साइंस टीचर, ऐसा बेंच पकड़ के उसका हैंडल निकालना, ये अपने काम थे। मतलब क्लास का सबसे बकवास लड़का जिसको बोल सकते उन कैटेगरी में हम थे, बराबर है, उन कैटेगरी में हम थे। मस्त ऐसा चुंगम लेके चिपकाना किसी ने ज्यादा उसारी मारी तो, ऐसी हरकतें हमको बहुत सुस्ती थी। तो पर प्रॉब्लम क्या थी, ये जो बिगड़े हुए लड़के होते हैं ना इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये बाकी चीजों में सुधरे नहीं होते। सो देयर वाज दिस गर्ल, तो हम लोग क्लास में भी नाम से क्या करेगा तू काम धंधे अबे वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम ले लूँ तो उसका नाम ऐसे याद रखो एक बेवफा जो मुझे छोड़ के चली गई। तो सुनो तो अबे तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, सुन तो उसका छोटा भाई भी तेरी एज से छोटा है। सुनो तो पॉइंट ये है कि 8th में अपने को समझ आया, अच्छा मेरे केस में ना मैथ्स मेरा हमेशा से कमजोर, ठीक है, कैलकुलेशन वाइज अपने को समझ में नहीं आता था। तो हम लोग जो टीचर होती थी क्लास टीचर उसमें भी हम लोग साथ में थे, बैठते भी आजू बाजू थे तो मस्ती चालू हो जाती थी, ठीक है। अब अपन बैठे बैक बेंचर कभी लड़कियों के बाजू बैठने का, अच्छा हमारे लिए सजा मतलब ये नहीं होती थी कि क्लास से बाहर निकाले, सजा मतलब दो लड़कियों के बीच में बैठा दिए। ऐसे जो हमारे जैसे लड़के होते ना इनकी सजा ये नहीं होती कि क्लास से बाहर निकाल, क्लास से बाहर निकाला हम ग्राउंड में बकते थे, हमारे को अगर लड़की के बीच में बैठा दिया सफोकेशन होता था, समझ नहीं आता था सांस कैसे ले, सांस नहीं आती थी हमको तब, इतना समझता नहीं था, आज बैठाओ तो वैसा वाला सिचुएशन था मालिक। तो सिचुएशन ऐसी थी कि 8th में एक दिन ना उसने, अच्छा अब सिंस क्लास में के बिगड़े हुए लड़के थे तो क्लास के जितने भी काम रहते थे सबको असेंबल करो, ये करो, वो करो, सब काम हमको मिलते थे। तो एक पर्टिकुलर दिन इसने अपनी 4-5 तितलियां जो इसके साथ में रहती थी, राइट, तो उनको बोला कि यार अपन बात करते, बोले तो इसने मेरे को बोला, विजय बोले रुक, क्लास के बाद रुकना। ऐसे टाइम पे ना, ऐसे टाइम पे जो अपने दोस्त होते हैं ना वो हद हरामी रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसने चुपचाप मेरे को बोलना था, इसने सबके सामने बोली, सारे बैकबेंचर लौंडे, सारे बैकबेंचर भी लाइक भे रुकने बोली भे, एंड दैट वो मराठी, वो नागपुरी मराठी, अरे तुला सांगितलं रे बुरु खायला कसला, अरे अरे बापू काय झालं, काय केलं बिजू, म्हणून पागल की कुछ नहीं किया, एक कंप्लेंट करी का टीचर से, तब तक मेरे को समझता ही नहीं था लपड़ा क्या है, समझ में आ रही बात। तो अपन कभी इसमें रहे नहीं, अपन रहे मस्ती हूँ मैं इस चीज में तो कभी रहे नहीं। तो उसने रुकने बोला, दोस्त इतने हरामी, कोई स्कूल के पेड़ पे चढ़ के बैठा है, कोई चर्च के पीछे है, कोई पार्किंग में खड़ा है, कोई उधर वहां पे सुसु किया जा रहा है, वहां से ऐसे देख रहा है, इतने हरामी सबके साथ, और सब चिढ़ा रहे उधर उधर से। तो ऐसा ग्राउंड था, ग्राउंड के ऊपर हम खड़े थे, वो खड़ी थी, मैं खड़ा था, मेरे साथ एक दोस्त था, उसके साथ 4-5 तितली खड़ी थी। तो उसने मेरे को बोलना चालू किया, बोले देख विजय कैसा है, एक्चुअली मतलब अपन साथ में रहते हैं, एंड मैडम ने भी डायरेक्ट बोला नहीं, और मैं इतना झंडू मेरे को समझ आए नहीं ये बोल क्या रही है, बोले कैसा है अपन साथ में जाते हैं तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। बोला मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है अच्छा लग रहा है, बोल क्या, डायरेक्ट बोल नहीं, राइट, तब तक के तेलफड़े समझते नहीं थे, आपकी जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास थी नहीं, ये सब होता क्या है। सो बोला यार, बोले नहीं कैसा है अपन क्लास में होते हैं, अपन साथ में होते हैं, सो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, ऐसा प्रोटेक्टेड सा फील होता है, फिर ये वो मैं अबे सुन तो बे, मोमेंट तो यहाँ है, मेरे को समझ नहीं आया, मैं बोला अच्छा ठीक है वो सब तो ठीक है, तेरे को चाहिए क्या, तेरे को कोई परेशान कर रहा है, मैं इतना झंडू कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं बोला तेरे को चाहिए क्या, तेरे कोई परेशान कर रहा है, ये तो अपन राउडी, मैं बोला तेरे को कोई परेशान कर रहा है, तेरे को कोई मारा इशू बता क्या है। तो बोले नहीं इशू कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरे को ये बोलना है कि मतलब आई फील गुड, तो बोला हाँ मेरे को भी अच्छा लगता है, उसमें क्या है, आगे बोल, हम मेरे को झंडू को समझ नहीं आ रहा, दीदी बोल क्या रही है, अरे किसी की तो दीदी होगी ना, मैंने दीदी बोल क्या रही है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो फिर वही नौटंकी करते, ठीक है छोड़ में बात बताती, वो चले गए उसके पीछे 5 तितली चले गई। ऐसे केस में ना होता क्या पता है, तुमको समझ नहीं आता पर तुम्हारे दोस्त को सब समझ आता, जैसे वो गई बोले क्या कांड हो गया, बोले क्या कांड हो गया, बोले हमारे ग्रुप में ना एक लड़का था उसको शिमड़ा करके चिल्लाते थे, उसको शिमड़ा करके चिढ़ाते थे, बोले भाई तो शिमड़ा माल लावे विजय चाहू है, बोले शिमड़ा का माल नहीं विजय का है भाई, ये बोले क्या, तो भाई प्रपोज करके गई इसको, मैंने बोले ये कब बोला उसने, ये कब बोला उसने। ऐसे मामलों में ना मतलब मैं आपको बताऊं, आपको ऐसी जगह पे सिर्फ आपका दोस्ती घुसाएगा, आपका नहीं दिमाग चल रहा होगा, भाई उसने ऐसा बोला है, उनको ऐसा समझना है उसमें, मैंने बोला तू बोल क्या रहा है भाई, उसने ये कब बोला, और क्या बोली तेरे मुंह पे बोल के गई ना, तेरे को समझ नहीं आ रहा। और भाई ने उस रात मेरे को दी एक्सपर्ट ओपिनियंस, वो अपने दोस्त होते हैं ना साले, खुद से तो कुछ होता नहीं, दूसरों को भयाना कि एक्सपर्ट ओपिनियन देने वाले, तो दूसरों भाई मेरे को रात भर बैठा के घर पे झूठ बोल रहा है, हम रात में स्टडी कर रहे, हम स्टडी कर रहे भाई, अब वो तेरे को ऐसा बोलेगी, फिर तेरे को ऐसा बोलना है, फिर वो ये करेगी, तेरे को ऐसा करना है, भाई मेरे को पूरा एक्सपर्ट ओपिनियन दिया जा रहा है। मैं बोला हाई ला,
इसने ये कब किया? इसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया रख रहे नीचे, इसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया मतलब यार रख भी नीचे ये आदमी वीडियो, यार तुम लोग वीडियो छोड़ मोमेंट को एंजॉय करोगे। सो लोग मैंने बोला यार अब क्या, उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया मतलब इसके पहले तक मेरे को समझता ही नहीं था, इसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया वो जानबूझ के आकर के बाजू बैठ रही है, मैं इधर बेंच के कोने में बैठा तो वो भी लास्ट बेंच के कोने में बैठ रही है, टिफिन ला रही है अपना टिफिन खिला रही है, मेरे को बाद में समझ में आया जब दोस्त ने समझाया, मैंने बोला ये तो नॉर्मल रहता है उसने क्या है, तो तब मेरे को समझ में आया। इट टुक मी टू इयर्स टू अंडरस्टैंड कि ये सब लफड़ा है क्या, मेरे को नहीं मालूम था भाई, और इतना मिलना कहाँ मिलता था यार, स्कूल में रहते थे साथ में, वो भी स्कूल हुआ चले जाते थे, स्कूल के बाद मैं उसको साइकिल पे उसके घर तक के छोड़ने जाता था, फिर मैं मेरे घर पे आता था, मेरे को पता ही नहीं था लाइफ में हो क्या रहा है चल क्या रहा है, अपन बहुत नॉर्मली ले रहे लाइफ में, तब तक आइडिया भी नहीं था। सो इसके बाद आया ट्वेल्थ, ना ट्वेल्थ में मेरे लाइफ के सिचुएशंस बहुत चेंज हो गए, आखिरी लेक्चर में सब समझ में आएगा तुमको, तो ट्वेल्थ में मेरे लाइफ के सिचुएशंस बहुत चेंज हो गए, मुझे मेरे घर से भागना पड़ा, तो मैं जब मेरे घर से भाग रहा था, अब इसके बाद हम लोग ऑलमोस्ट हर चीज़ साथ में करते थे, आई मीन नाश्ता वगैरह करने साथ में जा रहे, कोई प्रोजेक्ट है साथ में बना रहे, कोई प्रोजेक्ट है साथ में बना रहे, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट साथ में की जा रही, तो ऑलमोस्ट सब सब कुछ साथ में होता, फ्रेंड्स वगैरह भी कॉमन थे। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये हुआ कि सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं घर से निकला, जब मैं घर से निकला तो मैं सबसे पहले उसके पास गया, मैंने बोला यार देख ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया और मेरे को जाना पड़ेगा, बोला मेरे को घर से मतलब निकलना पड़ेगा और मैं यहाँ से जलगांव जा रहा हूँ, सो आई एम लिविंग एंड आई एम गोइंग टू जलगांव और ऐसा ऐसा सिचुएशन है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं वापस आऊँगा नहीं आऊँगा या कब आऊँगा इसकी कोई गारंटी नहीं है बोला अभी, बट दिस इज अ सिचुएशन, मेरे को तेरा सपोर्ट चाहिए। इसके बाद के जो कन्वर्सेशन उसने किए ना मैं पूरा हिल गया, उन्होंने बोला विजय मेरे को एक बात बता, बोले ये सब ना पिक्चरों में अच्छा लगता है कि तुम अपने घर से निकल जाओगे बिना किसी सपोर्ट के, यू नो बिना किसी सपोर्ट के तुम कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे, कुछ बहुत बड़ा नाम कर लोगे, कुछ बहुत बड़ा पैसा बना लोगे, पिक्चरों में अच्छा लगता है, ये सब रियल लाइफ में नहीं होता बोले। एंड बोले देख मैं गरीबी में लाइफ नहीं बिता सकती बोले, मतलब जब तेरे पास घर भी नहीं रहेगा तेरे पास कुछ ही नहीं रहेगा तो फिर हमारी इस रिलेशनशिप का मतलब क्या है बोले, जब तेरे पास कुछ है ही नहीं तो इस रिलेशनशिप का लॉजिक क्या है बोले, आई कैन नॉट लिव माई लाइफ लाइक दिस। एंड बोले देख बुरा मानने वाली बात नहीं है बट तेरे को समझना चाहिए कि जहाँ है वहाँ रहे, ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, देख अपन साथ में थे आई फील प्रोटेक्टेड, मेरे को कोई परेशान नहीं करता था एंड हम साथ में घूमते फिरते थे खाते पीते थे, अब ये सब है ही नहीं तो फिर इस रिश्ते का क्या लॉजिक है बोले, ये प्रॉब्लम क्या पता है यार, अपन ने पहली बार इस तरह की कोई चीज़ की है, जब आदमी फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करता है ना तो काफ़ी अटैचमेंट्स में होती है, क्योंकि आप पहली बार किसी के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो जो आपने कभी किसी के साथ किया ही नहीं है, तो फर्स्ट टाइम वाली जो सिचुएशन होती है ये हमेशा बहुत यूनिक होती है, चाहे वो फर्स्ट अटैम्प्ट हो चाहे फर्स्ट लव हो, आई जाहिर सी बात है आपने पहली बार किसी के लिए कुछ फील किया, पहली बार कुछ इच्छा हो रही है आपकी, कुछ आपको उसको यू नो रिस्पेक्ट करना चाह रहे हो, आप उसको कुछ अलग नगाहों से देख रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने बोला यार इस चीज़ का क्या मतलब है, बोले भैया जब पैसे ही नहीं है तेरे पास एंड यू आर नथिंग सो देर इज नो वर्थ ऑफ दिस रिलेशनशिप, और तेरे को लाइफ किधर लेके जा रही है, मेरे को लाइफ किधर लेके जा रही है क्या पता। मैंने बोला यार मैं तेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ तेरे को मेरे साथ भागना है, मैं सिर्फ तेरे को ये बोल रहा हूँ कि यू बी देयर, सपोर्ट चाहिए मेरे को और कुछ नहीं। तो बोले नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता बोले, तो मैंने बोला अब क्या, यू कंटिन्यू योर लाइफ आई कंटिन्यू योर लाइफ, बोले ये इसका कोई मतलब तो है नहीं बोले, और ये सब जो तू करने जा रहा है हीरोफिक इफेक्ट कि भैया कुछ जीरो से कुछ बन जाएगा कुछ अपने दम पे कर लेगा, ये सब फालतू की बातें देख लेना तो एक महीने में वापस आएगा, एंड आई कैन नॉट लिव माई लाइफ लाइक दिस आई कैन नॉट बी पुअर, तो जब तेरे पास कुछ है नहीं तो इट्स बेटर टू कॉल ऑफ हियर। मतलब वो ऐसा दिन था जब मेरे से मेरे घर वाले छूट गए, एक लड़की को लाइक कर रहा था वो छूट गए, मतलब वो अचानक से होता है ना बिगड़ेल लड़का है और वो अचानक से उसको रियलाइज होता है कि उसने बिगड़ करके कुछ बहुत अच्छा नहीं किया था, मतलब ही हैज नथिंग नाउ, एक फैमिली थी वो खत्म हो गई रही नहीं रादर, या उसको अब सपोर्ट करने के लिए नहीं रही, दिस इज द राइट वर्ड, माई होल फैमिली इज इन नागपुर, देयर इज नो रीजन आई एम इन पुणे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो एक ऐसा मोमेंट था जब वहाँ से निकला एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग, अ बैड बॉय लिटरली क्राइंग फॉर एवरी गुड रीजन, मैं यार एंड आई वॉज प्योर ममाज बॉय और आज भी प्योर ममाज बॉय हूँ, क्योंकि घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे से दो बड़े भैया है, तो जिम्मेदारी नाम की चीज़ कभी समझी नहीं, क्योंकि दो बड़े भैया थे और छोटे होने के अपने परक्विजिट अलग है, जो छोटे होते हैं ना इनको दुनिया के सारे सुख है, जितने लफड़े सब बड़ों के साथ है, छोटे सिर्फ खुशी रहते हैं, इनके साथ में दुख नहीं होता, क्योंकि मम्मी पापा से प्रोटेक्टेड होते हैं, बड़े भाई भाई बहनों से प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इनके ऊपर कभी वो जिम्मेदारी वाली नाम की चीज़ ही नहीं आ रही है, समझ आ रही है, पहले बड़े भाई को प्रूव करना है तो छोटे भाई को प्रूव करना है, उसने प्रूव ही नहीं करना तो उनका तो सवाल ही खत्म है, समझ आ रही है बात। सो बहुत ईमानदारी से लाइक करता था यार, ऐसा नहीं था, और पहली बार किसी के लिए फील किया, फीलिंग भी दो साल बाद समझ आया था फील क्या करना है, तब तक तो मेरे को समझता ही नहीं था उसको बोलना क्या है, उसके साथ बिहेव कैसा करना है, मेरे को समझता ही नहीं था ऑनेस्टली कि बिहेव कैसे करना है। सो मैं जलगांव के लिए निकला भंडारा से, जब मैं भंडारा से जलगांव के लिए निकला पूरा ट्रेन में रोता रहा एंड आई वॉज लाइक कि यार सब खत्म हो गया। सो कई बार ऐसा होता कि जब जलगांव में होता है देयर वाज एन एमजी कॉलेज, वहाँ पे जलगांव वालों को पता होगा एमजी कॉलेज करके, सो मेरे काफ़ी बहुत बेहतर दोस्त थे, मतलब दोस्त बने वहाँ पे बहुत बेहतर दोस्त थे, पर उनके साथ ये चीज़ शेयर नहीं कर पाता था क्योंकि उनको मेरे बारे में पता नहीं था, जितने मेरे दोस्त रहे उन सबको मेरे बारे में पता है, नए दोस्तों को मेरा पता ही नहीं है कुछ, तो मैं उनको बोलता क्या, हालांकि उनके साथ टाइम बिता के बहुत अच्छा लगता, जैसे एक जामू है
मैं उसको जामू बोलता हूँ, इज नीतीश मनिया नाउ माई पार्टनर इन सी ए, एक है नितेश महाजन नाउ माई पार्टनर सी ए, हम लोग सात दोस्त थे, एक के साथ बैठते थे, सातों के सातों सी ए, सातों के सातों 10 साल से पार्टनर है। तो ऐसा वाला सिचुएशन है। तो जितने भी रहे, फिर एक परेश काबरा करके है, राइट, इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, आज वो फाइनेंस के अंदर में हमारे जितने फाइनेंस है सातों के वो हैंडल करता है। तो इस तरह से ऐसा पूरा ग्रुप हमारा था, बट इनको कभी पता ही नहीं पाता था, क्योंकि हर एक जना अलग अलग जगह से आया, कोई जामनगर से आया, कोई भुसावल से आया, कोई किधर से आया, कोई किधर से आया। इतना तकलीफ होता था क्योंकि कॉलेज में, एमजे कॉलेज में किसी को देखते थे, एमजे कॉलेज जो जलगांव का ये थोड़ा सा कॉलेज में दिखाया जाता है वैसे, उसको पिक्चरों में दिखाया जाता है वैसा वाला कॉलेज है थोड़ा, पर माइसेज इतना बड़ा है कि कौन किधर घूम रहा है किसी को पता नहीं, ठीक है। तो जब भी किसी को साथ में देखते थे सर, वो बिल्कुल फोमो जैसा होता था कि यार ये सिचुएशन हमने भी यू नो एंजॉय करिए। मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, जैसे पानीपुरी खाने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल वो उसी का प्रिपरेशन भी, ऊपर से कोरिएंडर मत डालना। तो ये सब याद आता था, जितनी बार देखते थे सब याद आता था। ऐसे बुक पढ़ने जाता था, बुक के अंदर में उस ख्यालों में घूम रहा हूँ मैं। कैलकुलेशन कभी करते जमते ही नहीं थे, क्योंकि जब भी कैलकुलेशन करना होता था वो करती थी, मैं तो उसे बुक सबमिट करता था। तो मेरे को कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आता था, कैलकुलेशन चल क्या रहे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ होती थी। मैंने 7 से 8 बार उसको फ़ोन किया, आंटी आई फोन पे वो कभी फ़ोन पे आई भी नहीं। मैं मेरे घर पे फ़ोन करता था, 4.5 साल मेरे को मेरी मम्मी से बात करने नहीं मिली, 4.5 साल मेरे को मेरी मम्मी से बात करने नहीं मिली। फ़ोन जाता, फ़ोन लगता, फ़ोन कट कर दिया जाता। तो मतलब वो ऐसा पीरियड था जहाँ पे आई वॉज लेफ्ट आउट टोटली, कि कुछ समझ ही नहीं आता था करना क्या है। दोस्त थे नहीं जो समझा सके भाई सिचुएशन में करना क्या है। दोस्त वो थे जिनने कुदा तो दिया था, संभालने वाला कोई था ही नहीं। मैं मेरे दोस्तों को फोन करता था, भाई प्लीज़ यार उसको मैसेज दे एक बार बात तो करे, मैं इस टाइम पे इस जगह पे फोन के पास रहूँगा, उसको बोल एक बार बात करे। कंटिन्यूसली 2-3 महीने ये किया मैंने। 2-3 महीने बाद मेरा एक जो दोस्त था, अच्छा हर्षु करके था, उसने मैं फोन किया, बोले विजय एक बात बोलने, बोला बोले तू हर बार फोन करता है लेकिन हम तेरे को बता नहीं रहते, पर मेरे को लगता है कि अभी तेरे को बता देना चाहिए। बोला क्या? बोले पांडे। और पांडे वॉज द सेकंड बैड बॉय आफ्टर मी, पांडे वॉज द सेकंड बैड बॉय आफ्टर मी। तो बोले पांडे, मैंने पांडे क्या? बोले बस भाई पांडे समझ लिया अब तू। द दिन मेरे को समझ में आया, वो जो बंदी है उसको एक बंदा चाहिए था जो उस पर खर्चा कर सके, जो उसको प्रोटेक्ट कर सके, बॉडीगार्ड, समझ आ रही बात, जो उसको प्रोटेक्ट कर सके। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर लड़की ऐसी होती है, मैं बहुत श्योर हूँ क्योंकि मैंने मेरी सिस्टर को देखा है, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने पल्लवी को भी देखा है, मैं जानता हूँ लड़की ऐसी नहीं होती। व्हेन आई सी हर एंड आई सी पल्लवी, मेरे को यू नो यूनिवर्स और जमीन के पाताल का फर्क समझ आता है, जमीन भी नहीं, यूनिवर्स और पाताल का फर्क समझ आता है। ये एक लड़की जिसने कभी मांगा ही नहीं कुछ, और एक जिसने कभी रुका ही नहीं कुछ। सो ये वाला सिचुएशन था। तो मैं यू नो बहुत बार ऐसे रात में बैठ करके सोचता था, क्योंकि मम्मी पापा की बहन क्या आती थी, कुछ नहीं हो पाता था, बात ही नहीं कर पाते थे, सिचुएशन थी नहीं कुछ कर लूँ, पैसे थे नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं थे। जब ये पांडे वाला सिचुएशन हुआ ना, मेरा भयानक, मतलब जिसको बोलते हैं ना दिल टूटा वाला सिचुएशन, उस दिन ना मेरा दिल टूटा। उस दिन मेरे को लगा कि भाई साहब, मतलब यार मैं 4 साल से किसी का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, प्यार से ज़्यादा तो रिस्पेक्ट था यार, कि किसी ने तो अपने को सिलेक्ट किया इस सिचुएशन में। मैं बोला यार, वन फाइन डे भयानक रोने के बाद ना मैंने एक चीज़ अपने आप से पूछी, क्यों बाहर है, यहाँ क्यों है तू? मैंने बोला यार तू करियर के लिए यहाँ पे है। मैंने बोला देख, जब कोई चीज़ को, जब बहुत डीप बात कहने जा रहा हूँ बहुत गौर से सुनना, जब आप अपने लिए कुछ करते हो ना तो अपने ही छूट जाते हैं, इसको कोलैटरल डैमेज कहा जाता है आर्मी के शब्दों में। जब आप अपने लिए कुछ करते हो, जब आप अपने देश के लिए कुछ करते हो, तो अपने साथी वालों की भी जान जाती है, इसे कोलैटरल डैमेजेस कहा जाता है। मैंने कहा यार मैं भी किसी चीज़ के लिए निकला हूँ, और मैं अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या विजय तू गलत है? मेरे को जवाब आया नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं मेरे करियर के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ मैं कुछ बन जाऊँ मेरी लाइफ में। और इस चीज़ में कई चीज़ें छूटेंगी, अपने छूटेंगे, अपने परिवार वाले छूटेंगे, अपने दोस्त छूटेंगे, सब छूटेगा। ये एक दिन में मिलने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी आदमी को आज तक सक्सेस ऐसे ही नहीं मिली है, उसको बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, तब जाके वो मिलता है जो सबको चाहिए। बात समझना, अगर आपको वो चाहिए जो सबको चाहिए, तो आपको वो छोड़ना होगा जो सब होते हैं। तो ये बहुत बेसिक रूल है कि आपको सब छोड़ना पड़ता है। तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम भी तो सब कुछ छोड़ के आए हो, तुमने भी सब कुछ छोड़ा है। सो आफ्टर दैट मैंने कंप्लीट किया सीए कंप्लीट। जब मैं सीए फाइनल में था, मेरे डैड आए 4.5 साल बाद पुणे, सब कनेक्ट होगा एंड के दिन पे, समझना। मैं गया, बोले दादी की तबीयत खराब है, नागपुर चलना है। होता है ना किसी की तबीयत जान अटक जाती है, निकलती नहीं है किसी को देखे वगैरह, वैसा वाला सिचुएशन। मैं गया नागपुर, दादी 1.5 घंटे बाद ऑफ, मेरे लिए रुके थे शायद मेरे को देखने के लिए। फिर वहाँ गया मैं 4.5 साल 5 साल बाद मम्मी से मिल रहा था। वो दादी का तो ठीक था, मम्मी रात को मेरे को ही गले लगा के रो रही है बहुत देर तक के। एंड फिर मम्मी ने बोला कि तेरे को 13 दिन किधर ही नहीं जाना है। 13 दिन बाद जब मैं रेडी हुआ वापस आने के लिए पुणे, उन्होंने बोला तेरे को जाना ही नहीं है, नहीं जाएगा अभी तू। बोले यहाँ के मेरे सारे दोस्तों ने जितना बैग सूट किया सक था वो नागपुर भिजवाया, और ऑनेस्टली मेरी इच्छा नहीं हुई जब मम्मी ने बोला वापस आने की। तो आई स्टार्टेड टीचिंग इन नागपुर जब मैं खुद सी फाइनल में था। सो आई स्टार्टेड टीचिंग नॉट आफ्टर कंप्लीटिंग सी, आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज सी इन फाइनल। एंड दैट्स व्हाई आई हैव दैट मेटाफर टू अंडरस्टैंड कि मेरे ऐसे एवरेज बच्चे को समझ कहाँ नहीं सकता है। इसीलिए जो आप देखते हो ना जी हरकतें, ये एक दिन का गेम नहीं है, ये तब से गेम है जब मैं कुछ स्टूडेंट था, कि यहाँ पे ये बच्चे को इस तरह से ही लाना पड़ेगा। तो फिर कंप्लीट, अब देखिए सर पुणे में क्या होता है, एक ही कॉम्प्लेक्स में सारी क्लास है, तो जितने एडवर्टीजमेंट है हमारे इधर ही, कहीं बाहर नहीं है। नागपुर ऐसा नहीं, नागपुर बहुत छोटी जगह है, तो जितने टीचर के एडवर्टीजमेंट लगते हैं वो ऑन रोड लगते हैं,
तो क्लासेस कंप्लीट करते वक्त मेरा सीए हो गया, सीए के साथ साथ सीएस फाइनल में था मैं, और बाहर ऐसे बोर्ड लगते थे, मैं 21 के अंदर मैं सीए हूँ, सीएस फाइनल में हूँ, एलएलबी सेकंड सेम में हूँ, यूपीएससी का प्रिपरेशन में बैठा हूँ, तो बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं। अब किसी ना किसी दोस्त के कोई ना कोई रिलेटिव सीए में तो है ही, तो वो अपने पास था ही, एंड 21 के अंदर में मेरे स्कूल वाले जितने थे वो कुछ नहीं थे, सीए कंप्लीट हो गया तो बोर्ड लगता था सीए भी जैसा। भंडारा नागपुर 45 मिनट का रास्ता है, और भंडारा में ऐसे कुछ है नहीं, तो जितने भंडारा के लोग हैं वो सब नागपुर में रहते, तो सारे दोस्त देखते थे कि मैं यही हूँ। तो एक दिन दोस्त मिला, बोले भाई रीयूनियन प्लान कर रहे हैं, मिलना है। मैंने उसको बोला भाई सुन, वो नहीं आ रही तो मैं आ रहा, और अगर वो आ रही तो मेरे को आना ही नहीं है, सिंपल है बोला। अरे नहीं नहीं बोले, वो नहीं आ रही तो आ, डिसाइड हुआ। मैं अकेला सीए था, बाकी कुछ इंजीनियरिंग कर रहे थे, कुछ बीकॉम वाले थे, कुछ डॉक्टर वाले थे, तो सबका कुछ ना कुछ चालू था, आई हैव कंप्लीटेड वाला पार्ट था। गए ऐसे टेबल वगैरह थे, अच्छा रेस्टोरेंट था, टेबल वगैरह थे, सब बैठे थे, सब बात कर रहे थे, इतने में राइट कंधे पे हाथ आया। अब हाथ पहली बार तो लगा नहीं था, हाथ पहली बार तो लगा नहीं था, जो समझ ना आए क्या है यार क्या नहीं है। मैं तुरंत दोस्त की आंखों में देखा, बोले भाई एक्सट्रीमली सॉरी, ये उसी का प्लान था और उसको वो एट्थ वाला सिचुएशन वापस करने का है, तो भाई बोले प्लीज़ तू बात समझ। मैंने उसकी आंख में आंख डाल करके बोला, मैं बोला 5 मिनट से ज़्यादा ना इधर रुक मत जाना, जो चीज़ मिलेगी उससे पकड़ के मारूंगा बोला तेरे, और दो प्यार भरे शब्द कहे सबके सामने, सब बैठे ही थे, उसकी 5 तितली अभी। मैंने बोला इधर से निकल जा, मैं सीए ना अभी भी सिर्फ डिग्री से हूँ बोला, मैं आज भी उतना ही बेकार हूँ जितना तूने मेरे को स्कूल में दिखाया है, तुरंत निकल बोला, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं यहाँ पे, अगर मिल गया तो तेरे कपड़े तक नहीं छोड़ूंगा मैं बोला, तो निकल जाए यहाँ से बोला। बोले भाई सॉरी ऐसा वैसा, मोलो दिख मत जाना मेरे को, पूरे नागपुर में मेरे को कहीं मत दिखना तू बोला, नहीं तेरे को चांप मिलेगा तो पकड़ के दूंगा मैं तेरे को। नहीं नहीं रे दोस्त को जिसने मेरे को इसमें बुलाया था, समझ रहे हो तुम, वो स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं जिस दोस्त ने मेरे, क्योंकि मैंने उसको पहले बोला था भाई अगर वो नहीं आ रही तो मैं आ रहा हूँ, वो नहीं आ रही तो मैं आ रहा हूँ, यही इसको तो निकाल दिया गाली देकर के। फिर पलटा, मैडम चालू पड़ी, हाय विजय कैसा है तू, गले गले लगी, हाँ ठीक है ओके आगे बोल। बोले कैसा है तू, कितना चेंज हो गया है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा लेमन जूस आया हुआ था, लेमन सोडा रादर, मैं वो ऐसा सामने बैठी हुई तितली बाजू खड़ी हुई सब। बोले विजय आई मिस यू अ लॉट, इतने सालों तक के मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, मैं भी नहीं रह पाई, जबकि मेरे को पांडे पता था, मैं भी नहीं रह पाई, मैं उठा रहा नीचे रख रहा, नहीं 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 मैं चाहता था कि वो उस टाइम लेमन जूस ना हो बस, और वो एक्चुअली लेमन जूस था, मैं आज ऐसा विश करता हूँ काश वो लेमन जूस ना होता। तो मैंने बोला बताना क्या इशू है, तो बोले नहीं एक्चुअली मुझे आई ऑलवेज लाइक यू एंड मिस यू एंड आई वेटेड फॉर यू लास्ट 4 ईयर्स। और मैं सुन रहा हूँ एंड देन शी सेड, बोले मुझे तू बता अगर मैं उस टाइम ऐसा ना करती तो तू यहाँ पहुँच पाता क्या। कॉन्फिडेंस देख रहे हो लड़की का मतलब फाउंडेशन पढ़ा मैंने, इंटर पढ़ा मैंने, DT IIT पढ़ा मैंने, कॉस्टिंग पढ़ा मैंने, फाइनल क्लियर किया मैंने, और ये ऐसा ना करती तो मैं ना बनता। गजब गजब गजब। बोले मैं ऐसा ना करती तो तू कभी ऐसा बन पाता क्या, मैं तेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी तेरे इस एंडेवर में, और अपना चालू मन कर रहा था ग्लास ही फोड़ू उसके सर पे, मन में शांत था, सीए ने बहुत कुछ सिखाया था, पेशेंस सिखाया था कि क्लाइंट की पहले सुनते रहने का, तो सुन रहे हैं। बोले तेरे लाइफ में अभी कोई है क्या, बोला देखो क्या करना है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस नाउ, मेरे लाइफ में कोई है कि नहीं है, तेरे को क्या तकलीफ है भाई अभी। तो बोले नहीं बिकॉज मैंने तेरे अलावा कभी किसी को सोचा नहीं है। आप समझ नहीं रहे हो, बात समझ रहे हो, सी ए जैसे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मैं ये सुन रहा था, तो मेरा तो वैसे ही पेशेंस लेवल लूज था, मैं एक क्या करना है मेरा तो एटीट्यूड में था। तो बोले मतलब देख यार अब इन सब कोई बातों का मतलब नहीं है, आई हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ, मैं तो एक बात तो बोला अभी तक मैंने इतने पैसे कमाए नहीं है, सही समय जरूर आता है आपके बदले का तब देना, पर यार अभी तक इतने पैसे कमाए नहीं है, थोड़ा सा और कमा लूं शायद, क्या है मैं तेरे को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, वो कौन बीकॉम, मैं कौन सीएस फाइनल, बीकॉम एलएलबी सेकंड सेम, यूपीएससी एस्पायरेंट। मैंने यार देख मैं अभी तेरे को अफोर्ड नहीं कर सकता, सिचुएशन ये है कि आई डोंट थिंक कि ये वर्कआउट हो पाएगा, मैं बोला तू भी खुश रहे, नहीं तूने उस चीज़ को गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंड किया, आई डिडंट मीन कि मेरे को पैसा चाहिए था, मेरे को घर चाहिए था, ऐशो आराम चाहिए था,
अवन सिर्फ सुन रहा है। फिर उसका वापस फिर रोना धोना चालू, जैसे उसका आंखें गिरने आंखों से आंसू गिरना चालू, बाजू वाली रोती थी प्लीज। मैंने बोला क्या मतलब यार ये सब का, क्यों इतने नाटक कर रही है ये? उसकी एक दो मरे मेरे को क्या तकलीफ है, मरे मेरे को क्या तकलीफ पड़ रहा है। देख बहुत डीप की बात पे जाने का आ रहा हूँ, समझ लेना। आदमी उस टाइम पे सबसे खतरनाक होता है ना जब वो ये कह दे कि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति भी ना तब उस टाइम पे सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब वो ये कह दे अब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं उस सिचुएशन पे था कि मेरे कोई यार मर जाए मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाजू में स्विमिंग पूल है बोलो तो मैं मदद करूँ। घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तब तक के इतना फर्क पड़ चुका था कि अब कुछ ही फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सब हुआ फिर वो रोना चालू करी, बोलना और ब्ला 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 ब्ला। फिर चार साल में ये हुआ वो हुआ, उसके घर पे ये हुआ वो हुआ, सब सुना। मैंने बोला सुन, मेरे को शायद क्लास में नहीं बोलना चाहिए बट मैं ऐसे फ्रेंड आप सभी को बता रहा हूँ। मैंने उसको बोला, मैंने बोला सुन एक बात बोलूँ, तूने इतना सब बोल दिया, रोना धोना कर दिया। मैं बोला मेरा कंक्लूजन सुन, माई कंक्लूजन इज राइट नाउ आई विल रादर प्रेफर अ बिच रादर देन यू। मैं बोला ये मेरा स्टैंड है और मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ। बोला तेरे को ठीक है, मेरे को कोई भी चलेगा तेरे को छोड़ के, कुछ भी चलेगा बोला मेरे को, तो तू मेरा तो छोड़ ही दे बोला। तो जब ये बोला तो उसकी सारी एंड वो मेरे को समझा रही आंख दिखा रही, बोले बाजवट आंख दिखा रही, वो भी मेरे को बाजवट। तो फिर एक शिका करके थी वो आई, वो बोले विजय देख मेरी बात, वो तीन उसको उठा के लेके गए उधर कि नहीं उसका ऐसा मीनिंग नहीं। मतलब मेरा यही मीनिंग है, सुन कुछ गलत मत बोल उसको। फिर ये गए, बोले नहीं विजय ऐसा है ऑनेस्टली हमने उसको देखा है ऐसे तड़पते हुए ये करते हुए वो करते हुए। मैं शिका को बोला शिका सुन, तेरे को ये पता है उसने मेरे को क्या बोला था? तो बोले नहीं। मैं तेरे को ये पता है मैंने जाने से पहले उसको क्या बोला था? बोले नहीं। मैं तेरे को उसने ये बताया कि हमारी मीटिंग हुई थी? बोले नहीं। मैंने बोला तू एक काम कर, गाड़ी की चाबी ले और निकल। व्हेन यू डोंट प्ले द गेम डोंट मेक द रूल्स। या तेरे को गेम ही नहीं समझता, रूल्स क्या को बना रहे गेम के भाई? तेरे को कुछ मालूम है? और अगर नहीं मालूम है तो तू निकल, बोला। तो फिर मैं भी उठ के जाने लगा। मैं बोला यहाँ पे बहुत टाइम पास हो रहा है, बहुत नौटंकी हो रही है, इज्जत की फजीती हो रही है, बोला रादर उठो और निकलो। मैं जाने लगा तो वापस आई, उसने हाथ खींची बैठाया, बोले किस बात का इतना घमंड है, सीए बन गया इसलिए इतना घमंड है ना, सीए को इतनी बड़ी चीज थोड़ी नहीं है। बोल कौन रहा है? बी कॉम। बोल किसको रहा है? सीए। मैंने बोला ठीक है। मैंने पहली बार उसने बोला मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला एक आधा अटेम्प्ट तो चलता है। मैंने कहा एक आधा अटेम्प्ट तो चल जाता है लाइफ में, एक आधा अटेम्प्ट से कुछ नहीं था। फिर बातों में ऐसा थोड़ी ना होता है ये वो सिचुएशन, और फिर वापस चालू पड़ गई वो। मैंने बोला तूने कॉल क्यों नहीं किया, अगर इतना ही सब था तो कॉल करती है, तेरे को जब मैसेज पहुंचाया गया था। बोले अगर मैं करती तो तू कमजोर पड़ जाता। पहला कमजोर, दूसरा मैं। अरे तो कमजोर पड़ जाता, तेरा कुछ ये नहीं हो पाता, एंड दैट्स व्हाई मैंने एक तो तेरे भले के लिए सोचा और आज मेरे ऊपर ही ये सिचुएशन आ रही है। इतना सब होने के बाद मैंने बोला और बता पांडे कैसा है? पूछा ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक के पांडे और मैं बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। रीजन बिंग एक चीज नहीं, पांडे ने चालू करने से पहले मेरे दोस्त के थ्रू मेरे से बात की थी। पांडे ने चालू करने से पहले ही मेरे से बात करी थी। ये बस भाई ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा ऐसा है, और आई अपफ्रंटली सेड टू पांडे, मैं बोला देख पांडे तेरे को अपफ्रंट एक चीज बोल रहा हूँ, इसने मेरे को डम किया है तेरे को भी डम करने से रुकेगी नहीं, अपफ्रंट बोल रहा हूँ। जिस दिन उसको पता चला कि तेरे से बेनिफिट खत्म है तो पिक्चर से आउट है, बोला। बोले भाई बस अपना भी पर्पज वही है। मैं बोला ओके गो अहेड बिंदास। बोले भाई बिंदास गो अहेड, कोई तकलीफ नहीं लाइफ में अपने को, अभी बहुत सुकून है लाइफ में अब। सो इसके बाद क्या हुआ, उसने दूसरी बार बोलने की गलती कर दी। बोले किस बात का घमंड है, सीए बन गया तो इतना? मैं ऐसे ग्लास उठाया था, सीए बनने जाता घमंड? मैंने ग्लास रखा, बोला हाँ है, ये ना बहुत मेहनत से लिया है, दिन गवाया है रात गवाई है और मैंने अपने गवाया है तो ये डिग्री मिला है, और अगर इस चीज का घमंड होना चाहिए तो मेरे को इस चीज का घमंड है, और ये एटीट्यूड ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ खोया है, इसको पाने के लिए ना मैंने बहुत कुछ खोया, मेरे को मालूम है मैंने क्या खोया है। बोला जब कोई भी नहीं था ना मेरे पास, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था ना तो मेरे पास तू भी नहीं थी, बोला। समझ में ही बात, मैंने तेरे से आके सिर्फ एक चीज मांगी थी कि साथ रख, मैंने और कुछ नहीं बोला था तेरे को, बोला तेरे से वो भी नहीं हुआ उस टाइम, तो मेरे को पैसा बता रही थी। बोला अच्छा हाँ याद आया पैसा ना, बात पैसे की है ना, बोला। मैंने कोई बात नहीं, अब तू देख मैं तेरे को पैसा कमा के दिखाता हूँ। मतलब तेरे पूरे खानदान में किसी ने इतना नहीं कमाया हुआ, मैं उतना कमा के दिखाऊंगा, बोला तेरे को ईमानदारी से। बात पैसे की है ना, बोला मैं तेरे को कमा के, मैं तेरे को एक वादा करता हूँ, बोला पूरे हिंदुस्तान में तू जिस सिटी में रहेगी उस सिटी में मैं जरूर प्रेजेंट रहूंगा, बोला उस सिटी में मैं जरूर प्रेजेंट रहूंगा, है ना इंडिया दुबई और नेपाल में वर्चुअल हर जगह अपना, तो पूरे हिंदुस्तान में किधर भी बोल मेरा वर्चुअल तेरे को मिलेगा, तो जिधर रहेगी उधर रहेगा। दूसरा बात पैसे की है ना, मैं तेरे को दोनों हाथ से कमा के दिखाता पैसा कैसे कमाते हैं। अब समझा तुमको फावड़ा किधर से आता है,
समझ में आया, क्योंकि मेरे को तब तक इतना मैच्योरिटी बहुत सिंपल तरीके से समझ गया था कि आदमी के पास पैसा है ना तो उसको लोग सोच रहे हैं, पूछ रहे हैं, और उसके पास नहीं है ना तो उसको कोई ध्यान घास नहीं डाल रहा। मेरे को तब तक ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। मैंने बिल्कुल अपने एम को क्लियर कर लिया, दोनों हाथों से पकड़ के जिधर से मिल सकता उधर से फावड़ा मारने का, अब रुकने का नहीं है। फिर हुआ ये कि मैंने उसको बोला, मैं बोला देख अब ये पॉसिबल नहीं है, मैं मेरे लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और अब मेरे लाइफ में ना ये गोल ही नहीं रहा। मतलब यू नो एक टाइम था जब ये मेरे लिए गोल था, एक टाइम था मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट था, और अब सिचुएशन अलग है। तो बोले मुझे भी पता है तेरा किसी के साथ कुछ है। मैं बोला है ना, और मैं तेरे को बताऊं जो है ना लड़की बोला वो सी ए है। तो सीधी सी बात है, ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट दैट। तो बोले क्यों, सी रहेगी तो ही सिलेक्ट करेगा, वो गुस्से में थी, सी रहेगी तो ही सिलेक्ट करेगा। मैं बोला ऑब्वियसली पैसा कमाएगी ना, ऑब्वियसली बात है पैसा कमाएगी ना भाई, मैं क्यों दिमाग लगा, पैसा कमाएगी वो, सीधी सी बात है। अपन ने अरे भाई देखो लाइफ में ना तुमको लाइफ जरूर मौका देगी, जरूरी नहीं है हर चीज का रिप्लाई उस टाइम ही करना है। तुम एक चीज हमेशा याद रखना, और मेरे से और कुछ सीखो ना सीखो, मेरे से एक चीज जरूर सीखना वो है पेशेंस। तुमने चुपचाप मेरे से एक ही चीज सीखना वो है पेशेंस। जरूरी नहीं हर बेइज्जती का बदला तभी लिया जाए। लाइफ तुमको बराबर मौका देगा वापस से पूरा भाई का दादा का सबका बदला लेने का, समझ आ रही है, सबका बदला लेने का मौका मिलेगा। तुमने सिर्फ शांत रहने का और वेट करने का। जरूरी थोड़ी ना पहली बॉल अगर तुमको बाउंसर आई है तो दूसरी भी बाउंसर आएगी, दूसरे पे तुमको सिक्स मारने की भी तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ना। हमने वेट किया, फिर हुआ ये कि उसका छोटा भाई सीए करने आया, उसने अपने पेनड्राइव क्लासेस लिए। अपन हर बैच में ये बोलते हैं, वो अपनी बहन को बुला रहा, और दीदी दीदी विजय सर का स्टोरी आ रहा है इधर इधर इधर। वो बंदा अपनी ही बहन को बैठ के उसी का स्टोरी सुना रहा है। मेरे को कैसे पता चला, बाद में दीदी का मैसेज आता है, जब इतना सब कुछ बोल दिया, इतना बदनाम कर दिया तो नाम भी ले लेता, नाम भी ले लेता एटलीस्ट। आई जस्ट रिप्लाई विद अ सिंपल वर्ड, पहले नाम तो बना नाम तो बना पहले, तब तो बदनाम करने की बारी आएगी, पहले नाम तो बना ले। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इससे आपको क्या सीखना है, इससे आपको ये सीखना है प्यार करना नहीं, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए आपका कॉल है। मैं कहूंगा करना चाहिए क्योंकि मेरा लव मैरिज रहा है, मैं कहूंगा बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल चीज है, लेकिन तुम में धमक है ना कि सामने वाले लड़के या लड़की को उसके घर से ज्यादा खुश रख सकते हो तो करना, नहीं तो टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है, नहीं तो टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग करना है तो शिद्दत से करो, मोहब्बत ताकत से करो, और इतना जरूर जोर रखना कि साला फिर लाइफ के हर मोमेंट को साथ में एंजॉय कर पाओ, बिल्कुल हर मोमेंट को साथ में एंजॉय करें। अरे बहुत मजा आता है, पहले अपने खुद के घर के लिए जब कटोरी चम्मच जोड़ने जाओगे, पहला घर की पूजा करोगे, पहले घर लोगे, पहला टीवी लोगे, पहला वॉशिंग मशीन लोगे, और दोनों ने साथ में मिलकर किया रहेगा, इतना भारी फील आएगा तुमको कि यार वाह क्या मजेदार चीज हुई है, राइट। पहली बार यू नो साथ में दोनों मिलकर के दोनों के खुद के पैसे से अपनी शादी खुद के पैसे से कर रहे हो, ये जो फील है ना ये फील ही अलग है। जैसे मेरे शादी के केस में पूरा पैसा पल्लवी ने लगाया था और मैंने लगाया था, हमने हमारे घर वालों को पैसा ही नहीं लगाया पूरा, उसने जितना कमाई थी सीए बनने के बाद और मैंने जितना कमाया था सब हमने लगाया। हर चीज खुद से डेवलप करने का मजा आता है, खुद के लिए कपड़े लेना, पहली बार एक दूसरे के लिए कोई ब्रांड खरीदना, पहली बार एक दूसरे के लिए कोई ब्रांड खरीदना, ऐसे एक 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 डेवलपमेंट होते हुए देखना, राइट। वो जो मजा है ना वो नेक्स्ट लेवल मजा है, वो ये टाइम पास करने में नहीं है। आई हैव बीन इनटू 7 years लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद पल्लवी, 7 years लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो छत्तीसगढ़ में बैठी है मैं पुणे में बैठा हूँ। इस टाइम पे भी कई उतार चढ़ाव है, लेकिन मेरे को सिर्फ एक चीज पसंद थी कि वो एटलीस्ट बहुत ज्यादा लॉयल है और उसका डिमांड नहीं है कुछ, क्योंकि मैंने उसको अपफ्रंट दो ही चीज बोली थी। मैं बोला एक तो अगर ये सोच के आ रही होगी कि मेरा ससुराल होगा ये होगा वो होगा, मैं बोला कोई फैमिली नहीं रहेगी, दूसरा मैं तेरे परिवार को भी इज्जत दे पाऊंगा क्या उसकी गारंटी नहीं है, मेरे को मेरे फैमिली से कुछ। सी कोई भी आदमी जब ऐसा बनता है ना वो उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनता है। आज मेरा अगर आप देखोगे तो मेरे ऑब्जेक्टिव अलग है, क्यों है, क्योंकि मेरे पास्ट कुछ ऐसे रहे हैं जहाँ पे मेरे को यू नो रुपए रुपए के लिए मोहताज होते हुए देखा है मैंने, जहाँ पे मैंने मेरी बेसिक चीजों के लिए मेरे को मरता हुआ देखा है। जब उसने बोला भी था ना कि क्या बदल गया है तेरे अंदर, वैसा ही तो है मेरे अंदर क्या बदल गया, मैंने बोला तू जिस विजय को जानती थी ना वो जलगांव रेलवे स्टेशन पर ऑलरेडी आत्महत्या की कोशिश करके मर चुका है, बोला ऑलरेडी उसने सुसाइड अटेम्प्ट करके जा चुका है, बोला वो तो जो तू देख रही है वो विजय नहीं है, बोला वो ऑलरेडी खत्म है, राजधानी एक्सप्रेस के सामने वो खत्म है, तो मैं जो तू देख रही है मैं वो नहीं हूँ जो मैं हुआ करता था, तो वो सिचुएशन छोड़ दे, बोला। तो आपको सीखने वाली चीज़ ये है बेटा कि पहला कोई भी चीज़ करो शिद्दत से करो, दूसरा बेइज्जती का बदला लेने का सही मौका जरूर आता है, वेट करो, जरूरी नहीं है हर आंसर उसी टाइम पे देना है, गलत। एक क्वेश्चन पेपर जब बनता है ना तो आंसर शीट ब्लैंक आती है, इसका मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है पहले पन्ने पे लिखना क्या है, क्योंकि आंसर शीट हमेशा ब्लैंक होती है, क्वेश्चन पेपर फुल होता है। दूसरा सर ईमानदारी से अपने गोल, और कभी भी इस चीज को सिलेक्ट करने का मौका मिले ऑलवेज सिलेक्ट गोल, क्योंकि बाकी चीजें ऑटोमेटिक आएगी। उसके अलावा यहाँ पे कई बच्चे हो सकते, देखो हम यूथ है, हमारे साथ में दिल टूटना बहुत कॉमन चीज है, बात समझना। आप सभी को एक चीज बोलना चाहता हूँ, कभी भी ना इस चीज को ओवर पावर मत होने दो। रीजन बिंग तुम्हारा माइंड ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं कह रहा हूँ ना मुझको निकलने को 3.5 महीने लगे, जब पांडे सुना तब समझ आया, तो आपको भी ये लग सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा,
50 बार लगेगा, हो सकता है 50 बार दिमाग में आए, 50 बार चीजें आए, याद आए, सब आए, पर बार बार मैंने अपनी बुक के आगे लिख रखा था, बुक के आगे लिख रखा था एक सवाल खुद से, व्हाई यू आर हियर। और जब जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं वापस याद आ रही है, मैं वापस बुक का वो पेज खोलता और वही देखता, व्हाई यू आर हियर, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन, मैं नहीं तो कोई और कैसे जा सकता है यहाँ पे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन, और आज मेहनत नहीं करनी है तो कब करना है, सो नॉट मी देन हु। तो ये सवाल मैं अपने आपसे बार बार पूछता था, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी ऐसा कोई सिचुएशन है तो बुक के पहले पेज पे लिख के रहो, चाहे ये फैमिली को लेके हो, पैसे को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, किसी प्यार को लेकर के हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, अभी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है तुमने सिर्फ एक जगह दिमाग लगाने का, वो है गोल, बाकी सब चीज तुमको सही टाइम पे कसम से आएगी, कसम से आएगी। यस, अगर बुक रीडिंग करने का शौक है तो एक बुक जरूर रीड करना, द सीक्रेट नाम की एक बुक है। यस, ये बुक मेरे को बहुत शौक है, ये जब बुक आप रीड करोगे ना, ये बुक आपको यही चीज सिखाती है, पहला पेशेंस रखो, और दूसरा जो तुमको चाहिए ना ये बार बार बोलते रहो, आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दिस, आई नीड दिस, कुछ भी होगा ये पूरा यूनिवर्स तुमको वो चीज लाके दे देगा तुम्हारे हाथ में। यस, आपने शाहरुख खान का डायलॉग सुना होगा ना कि पूरी कयामत, दिस इज अ पैरा विच इज रिटन इन दैट बुक, दिस इज अ पैरा विच इज रिटन इन दैट बुक। तो ये इस तरीके का सिचुएशन है, तो मालिक ऐसा वाला सिचुएशन है, वो था नहीं डिविडेंट, उसे माना गया था डीम डिविडेंट। यस, तो कैसा लगा आपको ये 45 मिनट आपने जो टाइम पास करवाया मेरा उससे, मजा आया नहीं आया? यस, कुछ अपशब्द कह दियो तो बड़ा समझ के माफ कर देना, इसकी मांगे दिन ब दिन मजदूरों से बढ़ रही है, बोले अब यहां से पल्लवी मैडम की स्टोरी चालू करो, पागल होगा, दिमाग खराब होगा तुम्हारा, बिल्कुल बोलना मत दिवाली तक के, खुद भी फालतू काम करने के लिए मेरे को, समझ में आई बात, बाय बोलो बच्चों।